दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। देखो, मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों को गालियाँ दे दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। लेकिन क्या करें, हमें गालियाँ दो, हमारे घर वालों को गालियाँ मत दो। मैं आपको गलत अगर बोलता हूँ तो मुझे गलत बोलने का, मेरे घर वालों को नहीं, मम्मी पापा को नहीं। तो आज फिर मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने जो किट बना के तैयार किया है, इतना अच्छा किट है, अगर आप इसे लोगे, जिसमें टैबलेट है, पाक है, तिला है, ठीक है, ये आप लोगे, ये पूरा आइटम आता लगभग 1-1.5 किलो के समथिंग आता है पूरा। इससे जो नपुंसकता है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है, ये समस्या पूरी ख़त्म हो जाती 100% गारंटी के साथ। अगर आप इसे लोगे तो आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, पहले मैं सजेशन करना चाहूँगा आपको कि पहले आप दवाई अपनी बना के उसे यूज़ करें, उसके बाद अगर लाभ ना मिले तो हमसे मंगाएं, ठीक है। तो नुस्खा मैं बताता हूँ, बहुत ही सरल नुस्खा है, बहुत ही सिंपल नुस्खा है। करना, देखो, आपने गेंदे का पेड़ तो सुना ही होगा, पौधा गेंदे, गेंदा, गेंदा जो फूल होता है, गेंदे का वो तो आपने सुना ही होगा, गेंदे का फूल होता है उस, और फूल में उसमें बीज भी पड़ते हैं, लेकिन आपको उस वो पक जाने के बाद मिलेगा। अभी आपके पास पड़ोस में कहीं जहाँ फुलवारी हो वहाँ पे आराम से मिल जाएगा वो। तो ये नुस्खा जो है ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो नपुंसकता के बहुत बड़े शिकार हैं, बहुत बड़े मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है जिनका। वैसे किट भी मेरा जो है वो ख़त्म होने वालों को ही दिया जाता है, जो बिल्कुल ही बेकार हो चुके होते हैं, कुछ नहीं रहता उनमें, उनके लिए किट होता है। और ये भी नुस्खा उसी लिए है, आप इसे करना चाहो पहले इसे करो, उसके बाद देखना दवाई मंगाना है मंगाना, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो गेंदे का आपने पौधा सुना ही होगा, इसके बीज लेके आने हैं आपको लगभग 100 ग्राम, 100 ग्राम बीज लेके आ जाओ इनके। 100 ग्राम बीज लेके आने के बाद अब आप क्या करोगे, इसमें 100 ग्राम मिश्री मिलाओगे, गांजे का सॉरी गेंदे का जो बीज हैं उनको लेके आने के बाद आप 100 ग्राम इसमें मिश्री मिक्स करोगे। मिश्री दोनों को खूब महीन पीस कर किसी डब्बे में भर के रख लो। अच्छा, ये फ़ायदा क्या करता है, पहले फ़ायदा मैं बता दूं आपको। देखो, नपुंसकता जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनके लिए, वीर बिल्कुल पतला हो चुका है उनके लिए, और तुरंत जाते हैं, झड़ जाते हैं उनके लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, काम करेगा आपके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सरल नुस्खा है। तो आपने बना के तैयार कर लिया, जैसे गेंदे के फूल के बीज, गेंदे के बीज और मिश्री आपने बराबर 100 ग्राम पीस के मिक्स करके आपने बना के रख लिया। सुबह शाम आधा आधा चम्मच आप क्या करोगे, सुबह शाम आधा आधा चम्मच दूध के साथ इसे लोगे। सुबह शाम आधा आधा चम्मच गरम दूध से ले सकते हो, अब मिश्री युक्त दूध से भी ले सकते हो। मिश्री युक्त दूध मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अभी जो समस्या चल रही है वो है अपना गर्मी, सबसे ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम चल रही है, तो गर्मी के कारण मैं मिश्री का दूध बताता हूँ आपको। मिश्री दूध से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। केवल आप 15 दिन यूज़ करो, 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा लाभ हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होगा अगर आप इसे करके यूज़ करके और देखोगे तो लाभ होगा बहुत ही अच्छा। तो ठीक है, चलते हैं, ये नुस्खा था, अगर आप इसको यूज़ करना है करना, लेकिन गलत कमेंट कोई मत करना, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आप लोग कुछ देते तो हो नहीं मुझे, फ्री में गुस्सा दिखाते हो बस, कुछ नहीं देते, फ्री में गुस्सा दिखाने को दे दो तो मुझे क्यों, क्या ज़रूरत है मुझे फ्री का गुस्सा देखने की किसी की, है ना। कुछ दे देते हो तो चलो गुस्सा दिखाना अच्छी बात है, गुस्सा दिखाओ, मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं देते हो तो गुस्सा दिखाना बिल्कुल नाजायज़ है, मैं नहीं देख सकता किसी का, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।